hello students today we are going to study part 4th of the chapter number 3 in history section nazism for class 9th uh, in this section we study about what are the different types of feelings of youth in nazi germany what are the women's feeling in the youth of nazi germany or what are the different types of nazi cult of motherhood and what is the art of propaganda in the nazism

तो उसका जो है नाजम का जो फीलिंग है जो उसका आइडिया है वो पूरे जर्मनी में बहुत तेजी से प्रोपोगेट करेगा बहुत तेजी से फैलेगा और इसीलिए उसने नाजी को बढ़ाने के लिए नाजीवाद को बढ़ाने के लिए स्कूल्स चुने इसका मतलब ये होता था कि जो जितने भी टीचर्स होते थे जो भी टीचर्स और बच्चे जो कि ज्यूस कहलाते थे इनको पोलिटिकली अनिलइबल कहा गया यानी कि ये विश्वसनीय नहीं माने गए और इनको स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया और सबसे पहले जो जर्मन्स बच्चे थे उनको और उन जर्मन्स बच्चों को जूस बच्चों से खेलने किससे पूरी मनाही कर दी गई स्कूलों में कहा गया कि जो जर्मन के बच्चे हैं वो जूस के बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे और ना ही उनके साथ खेलेंगे और धीरे धीरे जो इन जूस के बच्चों को अनडिज़ायरेबल करार दिया गया और उनको जो है उसको जो फिज़िकली हैंडी बच्चे होते थे जिप्सीज़ होते थे ये सारे के सारे इनको स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि कहते हैं क्योंकि हिटलर का मानना था कि जो भी ज्यूस बच्चे हैं जो भी फ़िज़िकली हैंडी बच्चे हैं जो भी किसी प्रकार की कोई ना कोई डिफॉर्मिटी उनके अंदर पे जैसे कोई अंधा है कोई बहरा लूला लंगड़ा या कुछ भी है और जो जिप्सीज़ हैं जो कि इधर उधर घूमने वाले हैं उनके बच्चे हैं वो सब अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं दिया गया और नाइनटीन में ये ऐसे जब बच्चे और ऐसे टीचर्स सबको लास्ट में गैस चैम्बर में मार दिया जाता है गुड जर्मन जो चिल्ड्रन जो होते हैं जैसे कि जो जर्मन्स के बच्चे होते हैं वो अच्छे बच्चे बने गए और नाजीज के द्वारा नाज़ी को स्कूलों में उनको पढ़ाया गया उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई टेक्स्ट बुक तक में ये लिखा जाता था कि जो नाजी रेस है वो सबसे ज़्यादा अच्छी रेस मानी जाती है और उन्हीं को जीने का अधिकार है और जितने भी जीव होते हैं उनके साथ रूढ़ीवादिता अपनाई गई और उसके बाद में चिल्ड्रंस जो भी जर्मन्स थे उनको लॉयल और सबमिसिव लॉयल माना गया वफ़ादार माना गया लेकिन जो ज्यूस के बच्चे थे उनको हिटर्ड माना गया उनसे हेट किया गया और उनको बहुत नीचा माना गया और उनसे कहा गया कि तुम हिटलर की पूजा करो हिटलर को पूजा गया वहाँ पर यानी कि नाजियों ने जो नाज़ी जर्मन के लोग थे वो हिटलर की पूजा करते थे वो विश्वास करते थे कि जो भी बच्चे हैं जो भी ज्यूस के बच्चे हैं वो सब बेकार हैं और जितने भी हमारे जर्मन के बच्चे हैं वो सब अच्छे हैं और वही आगे जाके अच्छी रेस बनाएंगे अब आता है कि जो नाजी जर्मनी में जो औरतें थी उनके उनके साथ लोगों को लेकर नाजी आइडियोलॉजी में क्या फीलिंग थी तो चिल्ड्रन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन नाजी जर्मनी में बताया गया है कि जो वीमेन्स होती थी वो मैन से अलग होती थी द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन हमेशा नाजी जर्मनी में जो स्ट्रगल uh, हुआ है वो खाली मेंस के राइट्स को लेकर हुआ है और विमेंस के राइट्स को भी लेकर हुआ लेकिन हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स ये दोनों ही मिलकर के डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स को शो करते हैं uh, अगर जहाँ वहाँ लड़के होते थे वाइल्ड बॉयज़ वर टॉट टू बी अग्रेसिव मेस्कुल एंड स्टील हार्टेड बट गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड यर प्योर ब्लड आर्यन चिल्ड्रन मतलब कहने का ये हुआ कि वहाँ हमेशा ये जाता था, था लड़कों को कि तुमको जो है मेस्कुलिन रहना है तुम तुम्हारे अंदर मर्दानगी शो होनी चाहिए और तुम्हारा हार्ट जो है वो स्टील की तरह मजबूत होना चाहिए और उनको बड़ा अग्रेसिव बड़ा क्रोधित स्वभाव का होने की बात कही गई लेकिन वहाँ उधर ही लड़कियों को कहा गया कि लड़कियाँ जो है बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होंगी वो अच्छी मदर बनेंगी आगे जा कर के और हमेशा प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को ही पैदा करेंगी और जो गर्ल्स होती थी उनकी रेस में प्योरिटी को मेंटेन करने की मेंटेन करने की बात कही गई उनको कहा गया लड़कियों को कि आपका संबंध जो है वो हमेशा जर्मन नाजीज से होना चाहिए ना कि, कि किसी जीव से और इसलिए ज्यूज से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा कोई भी लड़की जो कि जर्मनी की हो या जर्मन नाजीज़ की हो वो ज्यूस से कोई संबंध नहीं रख सकती थी और इन औरतों से ये भी कहा गया लड़कियों से भी कहा गया कि आप घर की देखभाल करेंगी अपने बच्चों को सिखाएंगी नाजीज़ वैल्यूज़ क्या होती हैं और आगे जाके आर्यन कल्चर और रेस को बढ़ाने में सहायता करेंगी फिर उसने ये भी बताया कि हिटलर 1933 में कहा उसने कहा कि मेरे स्टेट में जो मदर है उनको बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़न माना गया है लेकिन नाजी जर्मनी में जो जितनी भी मदर्स होंगी उनके साथ कोई इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा वो मदर्स जो कि नाजी जर्मनीस को पैदा करेंगी उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाएगा यानी कि जो लोग डिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा करेंगी जो नाजी जर्मनी के बच्चे होंगे उनको डिज़ायरेबल माना गया तो ऐसी मदर मतलब जो कि नाजी जर्मनी के बच्चों को पैदा करेंगी उनको अवॉर्डेड किया जाएगा उनको प्राइज़ मिलेगा लेकिन जो बच जो ऐसी महिलाएं होंगी या ऐसी लड़कियां होंगी जो कि अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन यानी कि ज्यूज़ के बच्चों को पैदा करेंगी तो इसका मतलब है वो ज्यूज़ हैं और उनको जो है पनिशमेंट भी मिलेगी इस तरीके से वुमेंस को अवार्ड देने के लिए वो कई सारे मेडल्स वगैरह देता था पैसे देता था लेकिन उनको भेज जब उनको पनिशमेंट दिया जाता तो उनको गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था उनको पनिश किया जा जाता था उनके साथ रेप भी होते थे तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्क्रमिनेशन था वो वीमेंस के साथ में कि जो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को मतलब जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता जा था अब आता है कि जो आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा थी वो ये क्या है नाजी रिजाइम में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी मीडिया वगैरह में बड़ी केयर के साथ यूज़ किया दी थी बहुत ही सावधानी से और इसका बहुत ग्रेट इफ़ेक्ट होता था द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब दियर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव जो भी उनके टर्म्स होते थे जिसको वो टर्म्स यूज़ करते थे उनको खाली डिसेप्टिव वे में या खाली सिम्बॉलिक रूप में यूज़ नहीं किया जाता बल्कि वो बहुत ही शांत तरीके से यूज़ किया जाता है जैसे नाजी में नाजी लोगों ने कभी भी किसी को मारने के लिए किल या मर्डर वर्ड का यूज़ नहीं किया उन्होंने उसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज़ करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट का या फाइनल सोल्यूशन कहा मतलब जब लोगों को बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना होता था तो उसको बोलते थे स्पेशल ट्रीटमेंट वो किल या मर्डर नहीं बोलते थे वो बोलते थे स्पेशल ट्रीटमेंट दो स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब इनको मार दो और या फिर फाइनल सोल्यूशन का मतलब है गैस चैम्बर में ले जाके मार दो यूज थेनेशिया का मतलब होता है कि उन्हें डिसबल्ड कर दो या, या उनके लिए यूज़ किया गया जो लोग विकलांग थे तो विकलांग बच लोगों के लिए यूथेन्सिया का यूज़ किया जाता था और जो उनको चुनने के लिए सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन का यूज़ किया जाता था इवैक्यूएशन का मीन होता था कि सारे ही जो अनडिज़ायरेबल बच लोग हैं जो ज्यूज़ हैं या जिप्सीज हैं उनको सबको ले जा करके डिपोर्ट करो यानी कि उनको ले जाओ यहाँ से और गैस चैम्बर में मार दो अब बताया नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस और नाजियों के आइडियाज़ को फैलाने के लिए वहाँ जर्मनी में कई सारी ऐसी फ़िल्में बनाई गई कई सारे पिक्चर पिक्चर्स बनाई गई रेडियोज़ में नाजी के नाजी आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया जाता था टी वीज़ वग़ैरह चैनल में भी प्रोपोगेट किया जाता था वहाँ पोस्टर लगाए जाते थे और कई सारे कैची स्लोगन्स ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाते थे ऐसे ऐसे लीफलेट्स बनाए जाते थे जिनमें कि बस नाजी का आइडिया ही फैलाया जाता था कि नाजी लोग अच्छे हैं और जीज लोग ख़राब हैं और जिस लोग अनवांटेड हैं उनको नहीं नहीं वो अनडिज़ायरेबल हैं उनकी ज़रूरत नहीं है और इन पोस्टर्स में जो ग्रुप्स बनाए गए थे वो उनमें दिखाया गया था कि जो ज्यूज लोग हैं जिप्सीज लोग हैं वो एनिमी हैं किसके दुश्मन हैं जर्मन्स के और जर्मन जो हैं वो स्टेरियोटाइप हैं और जर्मन्स यहाँ तक कि जो ज्यूज होते थे उनको स्टेरियोटाइप बोलते थे क्रूढ़ीवादी और साथ में उनको मॉग बोलते थे बुद्धू एब्यूज करते थे गाली गलौज करते थे उनको और उनको शैतान की संज्ञा देते थे और सोशलिस्ट और लिबरल्स जो है उनको वीक और डिजेनरेट भी दिखाया गया था इस तरीके से जो प्रोपागेंडा फिल्म बनाई गई थी उस समय कई सारी प्रोपागेंडा फिल्म जो है वो ज्यूज़ के प्रति हेटर पैदा करती हैं जैसे बहुत सारी मोस्ट इनफेमस फिल्म जैसे कि इटरनल जॉ जो इटरनल जीव है ये इटरनल ज्यू जो है ये ऐसी फिल्म है जो कि बहुत इनफेमस फिल्म है और इससे जूस को उसमें स्टीरियोटाइप्ड और मार्ग दिखाया गया है और ऑर्थोडॉक्स नेचर का दिखाया गया है तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं इसके अलावा जो है कुछ फ्लोट बियर्ड्स वियरिंग कॉफ्टान्स वेयर इज इन लेरिटी रियलिटी टूअर्स रिजल्ट टू तो द डिस्टिंग जर्मन ज्यूज बाई आउटवर्ड्स अपियरेंस नाजिजम का जो आइडिया है वो लोगों के दिमाग पर काम करता था उनकी इमोशंस पर काम करता था और धीरे धीरे हिटलर ने अपना नाजी आइडिया ऐसे फैला दिया कि लोगों की इमोशंस चेंज हो गए ज्यूज़ के प्रति और उन्होंने अब उनसे नफरत करना शुरू कर दिया था लोगों के अंदर ज्यूज़ लोगों के प्रति उनको अनडिज़ायरेबल कह कह के गुस्सा इतना ज़्यादा व्याप्त था कि वो उनको देख नहीं सकते थे और उनके लिए केवल एक ही प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए केवल एक ही उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा था कि इन सभी को वहाँ से हटा के जर्मनी से कम्प्लीटली हटा दिया जाए तो बच्चों ये चैप्टर जो है अब यहाँ पे फिनिश होता है आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन नाजीज आइडिया को आप लोग बार बार समझने के लिए बार बार इसे पढ़िए तब जाके आपको ये, ये रिपीटेड याद होगा तब तक के लिए टिल देन माई नेक्स्ट वीडियो गुड बाय टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ टू तो, थैंक यू